उधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता खत्म कर दी गई है। आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता खत्म हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी 20 विधायकों की सदस्यता को अयोग्य करार देने की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। लाभ के पद मामले में चुनाव आयोग ने एएपी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की थी। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद कानून मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस ने नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है। इससे बड़ा करप्शन क्या हो सकता है कि 7 की जगह 28 एक तरीके से मिनिस्टर्स केजरीवाल साहब ने अपनी पार्टी के अंदर बना दिए। ये फैसला कानून पर आधारित है। जो लोग ना कानून में, ना संविधान में, ना लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, तो उनको लगेगा कि ये फैसला ठीक नहीं है, लेकिन फैसला सही है। 13 मार्च 2015 को दिल्ली सरकार ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई। एक बार हमें सुन लीजिए, अगर उसके बाद जो फैसला करेंगे मैं मंजूर होगा, पर दुख की बात है कि राष्ट्रपति जी ने हमें वो मौका दिए बिना आज जल्दबाजी, मैं कहूंगी, मुझे नहीं मालूम क्या जल्दबाजी या क्या दबाव संवैधानिक संस्थाओं पर, केंद्र में बैठी सरकार का है कि इस फैसले को उन्हें लेना ही था। आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के अयोग्य होने के बाद भी केजरीवाल सरकार सुरक्षित है। 70 सदस्यों की विधानसभा में 66 विधायक एएपी के थे। 20 सदस्यों के अयोग्य होने के बाद एएपी के 46 विधायक ही बचे हैं। विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 36 का है, यानी अभी भी एएपी के पास बहुमत से 10 सीटें ज्यादा हैं। फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी कोर्ट में जाएगी। हमारे पास अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं। सोमवार को आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट से लेकर के जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक अदालत के दरवाजे खटखटाएगी।